आईएससी के बाद जितने भी बच्चे ट्वेल्थ का भी एग्जाम दिए हैं, इस बार जो भी बच्चा ट्वेल्थ का एग्जाम दिया वो अगर बीसीए कर लेता है बच्चा, बीसीए के बाद अगर एमसीए कर लेता है तो फिर उसको कोई रोक स्टार्ट करें। अच्छा, बीसीए कोर्स आपके ही पास से क्यों करें? ऐसा मतलब पास अच्छी फैकल्टीज है, जैसा वरुण जी ने बताया, वरुण जी खुद ही इतने लिटरेट हैं और जानकार हैं, अनुभवी है, और विक्रांत जी है जी। और फैकल्टीज है जो हम मिलेंगे, प्लस हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी हम लोग बच्चों को प्लेस करेंगे, पर बच्चों का प्लेसमेंट जो होगा बच्चों का आधार ही होगा। सोचा कि क्यों नहीं, इस रूरल एरिया में ही अगर कुछ अच्छी चीजें मिल रही है जो कि आपको पटना और दिल्ली और मुंबई जाकर हैं, जो भी गाँव के बच्चे हैं वो भी इस तरह उनको इस तरह तैयार किया जाए जो मार्केट में जो इंडस्ट्रियल मांगे हैं उनको एक बहुत बड़ा चीज मिल रहा है। बीसीए कर लेगा बच्चा, बीसीए करके अगर एस्टेट निकाल लेता है तो गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर टीचर की बहाली हो जाएगी उसको, एस्टेट निकाल करके। एमसीए अगर कर लेता है तो टीचर का, हाँ, कंप्यूटर फर्स्ट बार पीरो में आया है बीसीए करने के लिए, अभी तक इस एरिया में नहीं था, तो इस वजह से बच्चे जो है वो उत्सुक है बीसीए करने के लिए। अब तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा बीसीए करने के लिए। अच्छा, आप तो यहाँ बहुत नजदीक में ही आपसे आप तो बीसीए कर पा रहे हैं। आप तो नजदीक हो गया है और करना होगा तो यहीं से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और इस वक्त मौजूद हैं हबटेक कंप्यूटर सेंटर में, और कहीं ना कहीं तक जो है आज के समय में पीरू अनुमंडल और भोजपुर जिला का जो है इकलौता जो है इस तरह से कंप्यूटर सेंटर जो है जो कि स्मार्ट क्लास का सुविधा जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। वैसे में बहुत सारे कोर्स तैयारी करवाया जा रहा था पहले, लेकिन आज के समय में बीसीए का जो है आज जो है शुभारंभ किया गया है। बीसीए का तैयारी अब यहाँ से कराया जाएगा। हालांकि आज के समय में एआई का ज़माना हो गया है, एआई के ज़माना में कहीं ना कहीं तक जो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर का नॉलेज रखना कभी कहीं ना कहीं तक बहुत ज़रूरी है। वैसे में हमारे साथ सर भी वरुण सर भी हैं और टीएन अग्रवाल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी सर भी है वो भी आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे किस तरह से और कंप्यूटर जो है हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। सर स्वागत है जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये तो बोलना चाहता हूँ कि पीरो के लिए स्पेशल कि जितने भी बच्चे बेसिक कोर्स करके घर में रह जाते थे या दिल्ली सूरत जा करके 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर लेते थे और अपना जीविकापार्जन करते थे, कंप्यूटर बस बोलते थे कि कंप्यूटर मैंने पढ़ लिया, तो अब हम लोग एक अच्छा सा कोर्स करें। आईएससी के बाद जितने भी बच्चे ट्वेल्थ का भी एग्ज़ाम दिए हैं, इस बार जो भी बच्चा ट्वेल्थ का एग्जाम दिया वो अगर बीसीए कर लेता है बच्चा, बीसीए के बाद अगर एमसीए कर लेता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। और स्पेशल मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जो कि पीरो के बच्चा अपना इस बार हमारा हुआ है बीसीए से, बीसीए का एफिलिएशन इस बार मिला मुझे टीएन अग्रवाल कॉलेज जो हरिगांव में है। अच्छा। जिसके सेक्रेटरी सर यहाँ मौजूद हैं, इस बार मुझे मिला है। इसके पहले इस यहाँ से जो भी बेसिक कोर्स करके बच्चे जाते थे वो पटना में जाते थे, पटना में बहुत सारे तमाम कॉलेज हैं उसमें जा करके बच्चा पढ़ाई करता था, जिससे उसको परेशानी क्या होती थी कि जाकर के वहाँ डेरा लेना, रहना खाना पीना बनाना, हॉस्टल में रहना, यहाँ का एक इन्वायरमेंट था, यहाँ से सीधा दूसरी जगह गया तो अलग इन्वायरमेंट मिला, कुछ बच्चे उसमें पढ़ गए कुछ बिगड़ गए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखते हुए सोचा कि क्यों नहीं, कंप्यूटर का यहाँ पे सारा सुविधा है ही, स्मार्ट क्लास हो, विधिवत लैब की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था हो, डिसिप्लिन हो, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम बीसीए कोर्स यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, बीसीए कोर्स आपके ही पास से क्यों करें, ऐसा मतलब क्यों जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि बीसीए मेरे पास से ही क्यों करें, क्योंकि सबसे पहला बात मैं बोल रहा हूँ कि बीसीए कोर्स तो कराऊंगा ही मैं, सेमेस्टर वाइज क्लास है हमारे यहाँ, उसके बाद ये मेरा खुद का बिल्डिंग है अपना, इसमें मेरा जो सबसे लास्ट फ्लोर है थर्ड फ्लोर पे मैं डेवलपमेंट का एक इन्वायरमेंट बना रहा हूँ। 6 महीना जैसी बच्चा मेरे पास कोर्स कर लेगा उसको डेवलपमेंट सिखाऊंगा मैं। जो लड़का बीटेक वगैरह करके आता है और 6 महीना यहाँ रहता है या 3 महीना का छुट्टी लेके आता है तो कहता है कि हम कहीं ना कहीं कोर्स करें, डेवलपमेंट सीखें। पढ़ाई में डेवलपमेंट केवल करने के लिए नहीं बताया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बताया जाता है, मैं थ्योरी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कंप्यूटर का और विधिवत व्यवस्था हमारे पास, क्योंकि जो टीचर है हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं हमारे पास, जिसमें एक टीचर अभी हमारे पास मौजूद हैं जो विक्रांत सर, आप मिल सकते हैं विक्रांत सर से। और हमारे साथ मौजूद हैं टीएन अग्रवाल एजुकेशन कॉलेज के सर हैं और कहीं ना कहीं तक जो है यहाँ का जो बीसीए का जो डिग्री जो है यहीं से कहीं ना कहीं तक जो है टीएन अग्रवाल कॉलेज से ही कहीं ना कहीं तक जुड़ा हुआ है ये कंप्यूटर क्लास। तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको जवाब देता हूँ कि बीसीए यहीं से क्यों करें। मैं आपको बता दूं कि टीएन अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन काफ़ी रिनॉन्ड कॉलेज है और इसने अपनी एक पहचान बनाई है मार्केट में, पूरे क्षेत्र में, भोजपुर के अलावा शाहबाद क्षेत्र में हमारी कॉलेज की पहचान है। और हम लोगों ने 2023 में बीसीए कोर्स शुरू किया था। हमारा कॉलेज जो है AICTE
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उससे अप्रूव्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके साथ इसको मान्यता प्राप्त है। अच्छा। बाकी जो यूनिवर्सिटी है आपको क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी है जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है या छपरा विश्वविद्यालय है वो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है, पर आर्यभट्ट विश्वविद्यालय आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है पूरे स्टेट में उसकी मान्यता है। दूसरे हमारे पास अच्छी फैकल्टीज़ है जैसे वरुण जी ने बताया, वरुण जी खुद ही इतने लिटरेट हैं और जानकार हैं अनुभवी हैं, और विक्रांत जी हैं और फैकल्टीज़ है जो हम मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि स्पीरो में इन्होंने जो बताया कि बच्चे बाहर जाके पैसा खर्च करते या जिनके पास पैसा नहीं इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते, तो ये मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको दूंगा कि इन्होंने पीरे जैसे जगह पर ऐसी जगह पर इन्होंने बच्चों को कम पैसे में उसी फैसिलिटी को डेवलप किया है। अपने कॉलेज में संस्थान में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अटैच जो लोग लेना चाहते हैं इसको भी समझ लेंगे, ये एजुकेशनल लोन है, सरकार की तरफ से फ्री गिफ्ट नहीं मिलता है, ये स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन मिलता है जो कि सरकार के दिए हुए समय पर चुकता आपको करना होता है। आप नहीं करेंगे तो आपके गार्जियन को करना होगा। इंटरेस्ट कम है पर इंटरेस्ट भी लगता है, इंटरेस्ट आपकी पढ़ाई के बाद लगता है, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। उससे जो चाहता है कि एक बार में यूनिवर्सिटी का फीस का जो भुगतान है करने के लिए, वरुण जी के फीस का भुगतान जो करने के लिए है, कॉलेज की फीस का जो भुगतान करना उसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं जिससे सहूलियत मिलेगी। अच्छा सर ये बताइएगा टीएन अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट क्या है? हम लोग प्लेसमेंट के लिए कई कंपनियों से टाई अप किए हुए हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे यहाँ से बेसिक नॉलेज ले रहे हैं जी। जब करोगे पढ़ाई तभी मिलेगा कुछ मलाई। अब मान लो बीसीए में एडमिशन ले ले और ये आप सोचे कि आपने तो बोला था प्लेसमेंट के लिए यस, और हम कुछ किए नहीं, तो प्लेसमेंट का मतलब हम प्लेस करते हैं आपको। हम मान लीजिए आपको अच्छी जगह पर भेज दें, बैंक ऑफ बड़ौदा में ले जाकर प्लेस कर दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्लेसमेंट सेल में आप गए हैं तो वहाँ हमको तो नहीं जाने देगा ना, जाना तो आपको है। आपको खुद की पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि वहाँ क्या आप जवाब दे रहे हैं, कैसे अपने नॉलेज को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग की बहुत सारी बैंक्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से में हम लोग का ये है, प्लस हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बच्चों को प्लेस करेंगे, पर बच्चों का प्लेसमेंट जो होगा बच्चों का आधार ही होगा। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा, बोले तो शानदार। शानदार। मैम क्या कहेंगे कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में, क्या कहेंगे और बीसीए के बारे में जो आज शुभारंभ यहाँ से हुआ है? जी बिल्कुल, बीसीए का शुभारंभ तो बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बता दूँ काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद हम लोग वरुण जी से मिलकर अपने कॉलेज के साथ इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं बताऊँ सच्चाई यही है कि वरुण जी ने मुझे 3 से 4 बार हमारी जो भी टीम यहाँ आए उनको इग्नोर किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इस पीरो जगह में बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं बीसीए के लिए। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो कि बीसीए करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा भी रीज़न है जो फैमिली सपोर्ट हो या फिर मनी इशू हो तो बच्चे बाहर नहीं जा पाए, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इन्हीं के सेंटर में अपना भी एक बीसीए का कोर्स कराएं जिससे बच्चे आसानी से यहाँ आकर के बीसीए करें और अपने अचीवमेंट तक पहुँच सके, अपने गोल तक पहुँच सके। तो मुझे लगा कि नहीं वरुण जी का सेंटर बेस्ट सेंटर है अपने बीसीए कोर्स को रन करने के लिए। अच्छा ये देहाती क्षेत्र जैसा कि हम लोग देखते हैं पीरो हो गया, पीरो के अगल बगल जितने भी गाँव देहात के क्षेत्र हैं, मतलब क्या कहेंगे उन लोगों को, किस तरह से कहेंगे उत्तेजित करेंगे एप्लीकेशन बीसीए करने के लिए? बिल्कुल, मैं बता कि दूसरे जगह जाए, दूसरे स्टेट में चले जाएँ बीसीए करने के लिए। मैं बताना चाहूँगी मैंने खुद मार्केटिंग में अपना समय गुजारा है, मैं खुद जाकर के बच्चे को मतलब देखी कि नहीं बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है जिससे बच्चे बाहर जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस रूरल एरिया में ही अगर कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है जो कि आपको पटना और दिल्ली और मुंबई जाकर के मिले तो बच्चे का समय भी बचे, बच्चे समय समय पर अपने पेरेंट्स से भी मिल पाएँ और हर चीज़ अपने एरिया में रह करके मिले तो काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। तो बच्चे बाहर जाने का सोच सभी के मन में है कि नहीं मैं बाहर जाऊँगा बाहर जाऊँगी, लेकिन अगर बाहर जाने वाली सारी व्यवस्था आपको अपने ओन टाउन में और पीरों में ही मिले तो मैं बाहर क्यों जाऊं? हमारे पास समय भी कम है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे जॉब भी करना है, तो क्यों ना मैं पीरों में रह करके ही वो सारी फैसिलिटी अचीव करके आगे बढ़ूं। तो मैंने बस यही सोच करके अपने पीरों में यहाँ आकर के हम लोगों ने इस बीसीए कोर्स का उद्घाटन कराया। बिल्कुल देख सकते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हफ्ते कंप्यूटर सेंटर के जो फैकल्टी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। कब से सर बीसीए करा रहे हैं आप? हम तो सर बहुत पहले से ही करा रहे हैं, 6+ एक्सपीरियंस है मेरे
पास कहां से? और MNIT है मेरा भोपाल से। अच्छा, और मेरा एक ही उद्देश्य है TNA फाउंडेशन का, जो कि जो भी एवरेज फैमिली से बच्चे हैं, जो भी गांव के बच्चे हैं, वो भी इस तरह उनको इस तरह तैयार किया जाए जो मार्केट में जो इंडस्ट्रियल मांगे हैं उनको पूरी की जाए। और यहाँ पर जो भी हबटेक के थ्रू हम लोग ये करेंगे कि ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। अच्छा, और डेवलपमेंट मतलब दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, जैसे सर ने बताया, सिक्योरिटी सर ने, तो सब तरह इन बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि जो बाहर के बच्चे हैं उनके और इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो। और जितने भी MNCs कंपनी हैं या आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सारे में अच्छे से हो जाए, इनको इस तरह से एक्सपर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे गांव के हैं और ये आपके एवरेज फैमिली से हैं, उनको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पढ़ने में। और ये मतलब कंपेयर करेंगे अपने आप को कि हम बीटेक वालों से थोड़ा सा भी पीछे नहीं है BCA करके, क्योंकि बीटेक और BCA में डिफरेंस होता है आपके पैसे की। तो बीटेक कंपेयर टू BCA मतलब हाई एक्सपेंसेस होते हैं, बट BCA आपका कम खर्च में आपको इस तरह के इस लेवल के तौर पे तैयार किया जाएगा कि आप हर MNCs में आप जा सकते हो। सर, बहुत लोग सोचेंगे कि BCA का फी क्या होगा, फी स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब जी मैं बता दे रहा हूँ, फी हमारा बहुत कम है कंपेरिजन टू अदर कॉलेज, मात्र 1,80,000 हमारा फी है, 1,80,000। वो भी यहाँ से कोर्स जो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल 1,80,000 में पढ़ेंगे, वो भी 3 साल का कोर्स, 3 साल कोर्स करेंगे 1,80,000 के फी में। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, मैं पीरों में इसको इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो एक हाई पोजीशन पर पहुंच सके। यस, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने आधार कार्ड से DRCC से लोन करे और बच्चा लोन लेकर के पढ़ाई कर सके, जिससे वो जिस मुकाम पे जाना चाहता है वो जा सके बच्चा। बहुत दिनों से सर हम आ रहे हैं आपके हफ्ते कंप्यूटर सेंटर में, लेकिन आज का जो उत्साह जो बच्चों में देखें काफी मतलब देखने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए है ना, इसलिए है क्योंकि अभी तक बच्चा केवल बेसिक में फंसा हुआ था। जी सर, अब उसको एक बहुत बड़ा चीज मिल रहा है, BCA कर लेगा बच्चा, BCA करके अगर स्टेट निकाल लेता है तो गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर टीचर की बहाली हो जाएगी उसको, स्टेट निकाल करके। MCA अगर कर लेता है तो हाँ कंप्यूटर टीचर, अभी सर बता रहे थे MNC कंपनी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो BCA MCA मांगती है। अभी एक बच्ची से मिलवाते हैं, आजा बाबू, एक बच्ची इनसे भी आप मिल सकते हैं, इस बार के एडमिशन में इसका नाम है, ये एडमिशन लेना चाहती है, खुशी कुमारी। अच्छा, क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पे मैं IAC क्वालिफाई कर ली हूँ और यहाँ पे ADCA कोर्स कर ली। ADCA कर रहे हैं? कर चुकी है ये कोर्स, कर चुकी है ADCA। अभी BCA में जा रही है। अच्छा, BCA में एडमिशन लेंगी इस बार? यस सर। अच्छा, ADCA जब यहाँ से की तो कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लगा सर, ऐसा टीचर अभी तक नहीं मिले जहाँ इस लोकलिटी में BCA मतलब लोग कर पाएंगे, यहाँ पर आ पाएंगे या फिर बेनिफिट मिल गया है? क्यों नहीं कर सकते हैं सर, ये फर्स्ट बार पीरों में आया है BCA करने के लिए, अभी तक इस एरिया में नहीं था, तो इस वजह से बच्चे जो है वो उत्सुक है BCA करने के लिए। बाहर नहीं जाना पड़ेगा BCA? नहीं सर, ये खुद बच्ची जाने के लिए सोच रही थी, ये पटना, इसके गार्जियन एक और है, इसकी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, क्या नाम है, अनामिका, ये लाठान की बच्ची है। अच्छा, यहाँ से करीब 10-8 किलोमीटर की दूरी पे इसका गांव है। हमें गांव में हप्टिक कंप्यूटर सेंटर की एक और विशेषता मैं बता दूं, हर एक गांव में हमारी गाड़ी जाती है। देखें, हर एक गांव, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारी गाड़ी नहीं जाती है। तो और लड़कियों के लिए तो मुफ्त में गाड़ी भी चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल लड़की लोग को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, लड़के तो कहीं पढ़ लेते हैं लेकिन लड़की लोग को बहुत दिक्कत होती है, गार्जियन घर से निकलने नहीं देते हैं। क्यों? आज लड़का से कहीं लड़कियां काफी आगे है, काफी आगे है लड़कियां। और हमारी लड़कियों को, गार्जियन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी लड़कियों को दबा के न रखें, हमारी लड़कियों को आगे बढ़ने दें, और मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, स्पेशल फॉर गर्ल्स, और बॉयज के लिए तो है ही, ठीक है, लेकिन गर्ल्स के लिए भी जितना मेरे से हो सके सपोर्ट मैं करूंगा। ये आपका पहल जो है कहीं ना कहीं तक लड़कियों को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं BCA। धन्यवाद। और देख सकते हैं बहुत सारे छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे क्या सोच रखते हैं। अब हालांकि अब इन लोगों को BCA कोर्स अगर करना है तो दूसरे स्टेट में दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार सिंह। BCA क्लास यहाँ पर शुभारंभ हुआ है? हाँ अभी हुआ है। तो कर रहे हैं आप लोग BCA? हाँ अभी सोचेंगे, सोच रहे हैं। अच्छा, आप तो यहाँ बहुत नजदीक में ही आपसे आप तो BCA कर पा रहे हैं? हाँ हाँ, इसके लिए क्या कहेंगे? आप तो नजदीक हो गया है और करना होगा तो यहीं से करेंगे। हबटेक कंप्यूटर सेंटर कैसा तैयारी कराता है और भी जो सब्जेक्ट है? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और सर ने जो अभी
BCA कोर्स का उद्घाटन किया है, हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे पीरो शहर में BCA कोर्स होगा और हमारे जो घर है वहाँ नज़दीक में ही हमारे BCA कोर्स होगा, तो हमारा बहुत ही इससे मदद होगा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं काफ़ी आप लोग उत्साहित दिख रहे हैं, क्या बात है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। BCA क्लास का जो शुभारंभ हुआ उसके लिए काफ़ी उत्साह है आप लोग, करना है BCA, देख गए। ये बिल्कुल देख सकते हैं छात्रों में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है और काफ़ी एक्टिव भी दिख रहे हैं, जो कि कंप्यूटर क्लास का ही लेकर तक जो है एक बार हम लोग देखे हुए थे कि एक व्यक्ति ने अपना घर जो है घर में उसके कोई नहीं था, घर से बाहर चले गए थे, विदेश में चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तक जो है कैमरा के माध्यम से जब चोर उनके घर में पड़े तो कैमरे के माध्यम से देखे कि हमारे घर में चोर पड़े हुए हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए तो जो चोर हैं पकड़ा गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तक जो है ये कंप्यूटर का ही जमाना है कि वो दूर देश में भी रहकर जो है देख पा रहे हैं और जो है चोर को पकड़ लिए और उनको सजा दिलवा पाए, इस तरह से देख सकते हैं। काफ़ी आप लोग उत्सुक हैं ना जी, करने के लिए उत्सुक हैं, क्या कहेंगे, उत्सुक है, कैसा तैयारी करवाया जा रहा है, बहुत बढ़िया तैयारी करवाया, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है अभी तो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद देखेंगे कैसा तैयारी हो रहा है, पहले तैयारी कैसा हो रहा है, बहुत बढ़िया तैयारी हो रहा था, बहुत सारे सर गर्दा उखाड़ देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है थे बात किए और काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और पहली बार जो है इस पीरो शहर में पीरो अनुमंडल में जो है BCA क्लास BCA कोर्स का जो है तैयारी करवाया जाएगा, तो आप लोग भी आकर कर सकते हैं, हालांकि लोकेलिटी है, रूरल एरिया है, तो देखना है आगे किस तरह से तैयारी करवाया जा रहा है, हालांकि शुभारंभ हुआ है, इस तरह से आप लोग देखते रहे, पर सुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ, थैंक यू, जय।